मेरठ कमीनरी चौराहे पर लोगों ने पहुंचकर स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुस्साए लोगों का आरोप है कि बीते दिनों प्रधानाचार्य ने एक छात्रा की बेरहमी से इसीलिए पिटाई की थी क्योंकि उसकी सहेली ने स्कूल के गार्डन से फूल तोड़ लिया था। छात्रा का आरोप है कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने उससे न सिर्फ अभद्रता की बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। दरअसल सोमवार को मंडल आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने सैकड़ों महिला और पुरुषों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों का आरोप है कि कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ बीते दिनों स्कूल प्रिंसिपल ने मारपीट की और बदसलूकी की, साथ में जाति सूचक शब्द भी बोले थे। मेरठ कमिश्नर दफ्तर के ठीक सामने से लेकर एसएसपी के यहां तक लोग नारेबाजी करते हुए पहुंचे। इस दौरान आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और गुलाबी गैंग के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। एक बजे छुट्टी का टाइम था, जैसे कि सबकी छुट्टी हुई तो जैसे सब साथ में चल रहे थे, तो एक लड़की मेरे बराबर में चल रही थी, तो उसने एक सूखा हुआ फूल था पेड़ पर, तो वो एकदम उसके हाथ से लगकर गिर गया नीचे, तो वो मेरे पाँव में गिर गया। चपरासी अंकल ने एकदम से आवाज़ लगाई कि रुको, सब मतलब रुक गए वहीं पर। प्रिंसिपल सर आए, एकदम से उन्होंने समझा कि इसने तोड़ के एकदम गिरा दिया नीचे, कि एकदम से उन्होंने आके एकदम हाथ पकड़ लिया और मोड़ दिया और नाड़ पकड़ कर 2-3 चाटे मारे और नाड़ पकड़ कर ऑफिस तक लेकर गए। ऑफिस में जाकर उन्होंने मेरा मुंह भींचा और कहने लगे कौन सी जाति से हो, मैंने कहा जाटा। वे कहने लगे तुम नहीं सुधरो कभी भी। हमारी जातिवाद जो उठाया जाता है समाज में, कोई भी जाति धर्म हो, तो ये हमें कहाँ इंसाफ मिला है? जो कि हमारे बाबा साहब जी ने हमें इंसाफ दिया था जीने का, तो कहाँ है हम सुरक्षित, कहाँ हमारी बेटियाँ हैं? क्योंकि अभी जातिवाद में एक घटना हुई है बच्चे के साथ में, तो मौत के घाट उतर गए, और अब इस बेटी के साथ जो मार पिटाई हुई है, तो हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। अगर उसे गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम ऐसे ही रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी कुछ समय पहले जो किनानगर गाँव के अंदर एक स्कूल है, उसमें हमारे समाज की एक बेटी उसमें पढ़ती थी, उसे जो वहाँ पर एक फूल तोड़ लिया गया, और फूल तोड़ने के बाद उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि जातिगत आधार पर उसे मारा गया, पीटा गया, और उसे इतना अभद्र व्यवहार किया गया। वो लड़की आज भी बहुत मानसिक रूप से बीमार है, और वो ये महसूस कर रही है कि ये देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारे साथ आज भी इस प्रकार की जो भावनाएं गठित हो रही है, हमें नहीं लग रहा कि हमारा समाज आज़ाद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आज सारे सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, सभी का प्यार सहयोग मिल रहा है, और सभी लोग इस बहन की लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल अग्रसर है, और हम नए दिला के रहेंगे। जिस प्रिंसिपल ने इस बहन के साथ इस प्रकार की अभद्र व्यवहार घटना की है, हम चाहते हैं कि ऐसी घटना आगे भी ना घटे। हम उस प्रिंसिपल की इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और वो जेल जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कक्षा 9 की छात्रा की सहयोगी स्टूडेंट ने स्कूल में एक फूल तोड़ लिया था, जिस पर मंगूलाल सर्वहितकारी इंटर कॉलेज किन्नानगर स्कूल के प्रधानाचार्य विवेक शुक्ला ने छात्रा अंशु के साथ अभद्रता की, साथ ही उसकी पिटाई की थी। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि इस मामले में संबंधित थाना भावनगर में जाकर पीड़िता के साथ परिजनों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।